राष्ट्रीय डॉक्टर डे दिवस के अवसर पर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया। मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने डॉक्टर डे की चिकित्सक वर्ग को बधाई दी और कहा कि चिकित्सकों की सेवाएं हमेशा ही सराहनीय रहती है और खासकर कोरोना काल में यह देखने को मिला कि चिकित्सकों ने दिन रात किस तरीके से अपनी जान का जोखिम में डालकर मानवता की सेवा की। डीसी ने कार्यक्रम के दौरान सम्मानित हुए चिकित्सकों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी वही इसी तरीके से अपनी सेवाएं देंगे। आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के ऊपर मैं सभी डॉक्टर साहिबान को जो है बधाई देना चाहूँगा, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर सेकेंड टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड माने जाते हैं, और जब भी व्यक्ति किसी भी मुसीबत में हो, मेडिकल इमरजेंसी में हो, तो डॉक्टर्स के ऊपर ही लोग जो विश्वास करते हैं और उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते पे जो भी मेडिसिन देंगे या जो भी ट्रीटमेंट करेंगे उसको मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि कोविड-19 के टाइम में भी और वैसे भी अगर आप देखें तो जैसा आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स की हमारी संख्या थोड़ी कम रहती है, पेशेंट की संख्या ज़्यादा है, फिर भी सारे डॉक्टर जो है वो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक जब तक सभी पेशेंट को देख नहीं लेते, चेक नहीं कर लेते, तब तक अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो इनके इस कार्य के लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इनके इतना समय जो है समाज को दे रहे हैं और समाज के लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय के लिए भी इनको शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पे 6 डॉक्टरों को सम्मानित किया जाना था और 6 में से 4 डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सभी डॉक्टर जो हैं वो आयुष्मान भारत में और हिम केयर में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और लोगों को अच्छी सेवाएँ दी हैं उनको सम्मानित किया गया। सभी डॉक्टर्स को जिनको सम्मानित किया गया उनको हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा, और बाकी डॉक्टर्स को भी जो सम्मानित नहीं किए गए लेकिन वो भी अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स डे है तो उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं और भार उनका व्यक्त करना चाहता हूँ।